हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बेकी ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि वे फिन के बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट प्रिपेयर कर रही हैं, जानना चाहते हैं? तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिन बेकी के हाल ही हुए द लॉयल पिन के गाला प्रीमियर की, जिसमें काफ़ी सारे फनी, रोमांटिक और इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिले। और मुझे पता है कि आप ये जानना चाहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द लॉयल पिन के सभी स्टार के इंटरव्यू की, जहां सोंगजीत अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रही हैं कि वे इस सीरीज में ओंगफा का रोल प्ले कर रही हैं और इस सीरीज में वे एनिल को लाइक करती है, नॉट बेकी को। बट ये कहते हुए सोंगजीत काफ़ी पैनिक लग रही हैं और इस पर आप फ्रीन और बेकी दोनों का रिएक्शन देख सकते हैं, स्पेशली फ्रीन का। शायद सोंगजीत भी जानती है कि फ्रीन बेकी ऑलवेज टुगेदर रहते हैं। डोंट वरी फ्रीन, बेकी से आपको कोई स्नेचिंग नहीं कर रहा है। इसके बाद जरा यहाँ देखिए, जब पीनम ने कहा कि वह सीरीज में लीड एक्ट्रेस है, तो फ्रीन बेकी को देखे स्टेज छोड़कर ही जाने लगी, मानो जैसे बिना कुछ कहे बोल दिया हो कि अब आप ही स्टेज संभालो, हम जा रहे हैं। सच में फ्रीन बेकी दोनों ही काफ़ी फनी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ फ्रीन बेकी हमें लॉयल पिन के लुक में नजर आई, जिसमें ये दोनों एंजल की तरह लग रही थी और जिन्हें देखकर फैंस बस स्क्रीमिंग कर रहे थे और फैंस की नज़रें इनसे हट ही नहीं रही थी। बस उन्हें ही पता है कि वो खुद को कैसे कंट्रोल कर रहे थे। और ये है फ्रीन बेकी दोनों एक दूसरे की ड्रेस की केयर करते हुए। पहले यहाँ देखिए, बेकी हमें फ्रीन की ड्रेस की केयर करते हुए नजर आ रही हैं और बाद में यहाँ जब फैन ने बेकी की ड्रेस को लेकर उन्हें केयरफुल रहने के लिए कहा, तो फ्रीन को देखिए कैसे खुद ही बेकी की ड्रेस को ठीक करने में लग गई। वेल, ये तो हमें देखने को मिलता ही है। अब कोई इवेंट ना हो और फ्रीन बेकी की ड्रेस की केयर ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद बात करते हैं इस क्यूट मोमेंट की, जहां फ्रीन हमें अपनी लेग को स्विंग करते हुए नजर आ रही हैं और साथ में बेकी को भी ऐसा करने के लिए बोल रही हैं और बेकी ने देखे फ्रीन की बात मानकर वैसा ही करना स्टार्ट कर दिया। इन्हें देखकर कहा जा सकता है कि हम सब में कहीं ना कहीं हमारा बचपन बाकी है और ये ऐसा करते हुए काफ़ी क्यूट भी लग रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ फ्रीन बेकी हमें एक दूसरे को रोमांटिक लुक देते हुए भी नजर आए, हाय, जिसमें काफ़ी रोमांटिक लग रहे हैं। और फ्रीन की आइज तो बेकी से हट ही नहीं रही हैं। फ्रीन, बेकी आपके पास बैठी है, फिर भी आप बेकी को देखना कंट्रोल ही नहीं कर सकती। तो क्या इन्हें देखकर हम कह सकते हैं दे आर इन लव? और ये है एक क्यूट वीडियो, जहां फ्रीन हमें अपने कंट्री के फोक डांस करते हुए नजर आ रही हैं और जिसमें काफ़ी क्यूट भी लग रही हैं। सच में फ्रीन को देखकर लगता है कि वे काफ़ी मस्ती के मूड में हैं और जब बात उनके फैंस की आती है तो वे उन्हें कभी सैड नहीं करती, वे उनकी रिक्वेस्ट को बहुत जल्दी पूरा करती हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रीन बेकी के इंटरव्यू की, जब बेकी से पूछा गया कि क्या वे फ्रीन के बर्थडे के लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रही हैं, तो बेकी का आंसर था यस, वे इसे प्रिपेयर कर रही हैं। और इस पर फ्रीन बेकी को टीस करते हुए कह रही हैं कि उन्हें हाउस चाहिए, तो बेकी भी हैरान होकर कह रही हैं क्या आपको ये चाहिए? और इस पर फ्रीन फिर से कह रही हैं कि अगर आप मुझे ये देंगी तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगी, और इस पर बेकी का आंसर था वी विल सी। वैसे सच कहूँ तो ये दोनों एक दूसरे को टीस करते हुए किडिंग कर रहे थे और इन दोनों को ऐसे एक दूसरे को टीस करते हुए देखकर अब तो फैंस भी जानना चाहते हैं कि बेकी फ्रीन को क्या स्पेशल गिफ्ट देने वाली है। और इधर ये है फ्रीन जो कैनवे ब्रांड की 12th एनिवर्सरी को प्रमोट करते हुए नजर आ रही हैं कि इसमें शॉपिंग करने पर आपको 90% ऑफ मिलने वाला है। वेल, फैंस शॉपिंग करें या ना करें, फैंस बस फ्रीन को देखकर ही हैप्पी है, फिर उन्हें चाहे डिस्काउंट मिले या ना मिले। और ये है लास्ट वन, फ्रीन बेकी सेंसुअल होते हुए। मैं आपको बता दूं कि ये सीन यूरेनस मूवी का है, जो काफ़ी हॉट और सेंसुअल है और मुझे पता है कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इसी हॉट और रोमांटिक सीन के साथ वीडियो एंड होती है। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।